आज फिर हम गीता जी के श्लोक सीखना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं गीता जी के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी। गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में मिलाकर 700 श्लोक हैं। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई है, इसलिए इसे भगवान श्री कृष्ण को सम्मान देने हेतु श्रीमद् भगवद् गीता कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। हम पहले 12वां अध्याय से शुरू करेंगे। यह अध्याय भक्ति योग नाम का अध्याय है, इसीलिए हम सर्वप्रथम इस अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोध्याय। अर्जुन उवाच। न पूरा है इसीलिए हमने न धन अ, इसमें अ की स्वर भी, अ का स्वर भी आना चाहिए। अर्जुन उवाच। अब हम इसको देखते हैं। एव बिंदी मा का देती है, जो हमने पिछले क्लासेस में देखा है। एव सतत, तत पूरे हैं इसलिए ए का साउंड। सतत, सतत नहीं बोलना है, सतत। युक्ता, इसमें आधा कर और त दोनों मिले हुए हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम, भक्तास्त्वाम पर्युपासते। ये चाप्यक्षर, चाप्यक्षर र पूरा इसलिए अर्थसम। म व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाहा। यहाँ पर विसर्ग जो है वो आ से है, यहाँ पीछे वाला जो है अक्षर वो मा है, आ है, इसलिए इसको हमने पढ़ा हा। योग वित्तमाहा हम पूरा देखते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षर मव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाहा।